तो फ्रेंड्स आप लोग को पता ही होगा कि मैं 2 GB रैम डिवाइस पर खेलता हूँ और मेरा लैग प्रॉब्लम, हैंग प्रॉब्लम और ऑटो पैक प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप लोग भी 1 GB, 2 GB, 3 GB रैम पर गेम खेलते हो और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, तो आज की वीडियो पर आपकी बहुत सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बेसिकली होने वाली है कि मैं कौन सी सेटिंग्स को यूज करता हूँ गेम पर, कौन से ग्राफिक्स पर मैं गेम प्ले करता हूँ अपने 2 GB रैम डिवाइस पर, और मैं कौन सी डेवलपर ऑप्शन पर सेटिंग्स को ऑन करता हूँ गेम खेलने से पहले। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको ये बताऊंगा। अगर आपको ये सब जानना है तो आपको वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलो अच्छा बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स इंट्रो के बाद आपका दोबारा से स्वागत है। मुझे एक बंदे ने कमेंट करके पूछा था, भाई आप डेवलपर ऑप्शन ऑन करते हो तो कौन सी आप खुद सेटिंग यूज करते हो? तो मैंने सोचा इस पर क्यों ना एक फुल डिटेल वीडियो लेके आई जाए, उसमें मैं पूरी सेटिंग्स मैं बता दूंगा। तो इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। तो इस वीडियो पर मैंने सब कुछ बताया है। तो चलो अच्छा मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स पहले तो मैं आपको गेम की सेटिंग्स पर ले चलता हूं और मैं आपको बताता हूं कि मैं कौन सी सेटिंग्स पर गेम को प्ले करता हूं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये ग्राफिक्स पर मैं आ गया। मैंने एक स्क्रीनशॉट ऑलरेडी लेके रखा था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस ग्राफिक्स पर जाने के बाद आप देख सकते हो कि मैं मतलब स्टैंडर्ड पर गेम को प्ले करता हूं। मेरे को स्मूथ पर जब मैं गेम प्ले करता हूं तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं शुरू से ही स्टैंडर्ड पर अपना गेम प्ले करता हूं अपने 2 GB रैम डिवाइस पर। अगर मैं अल्ट्रा पर करूंगा तो मेरा लैग काफी ज्यादा होगा, इसलिए अल्ट्रा पर गेम को नहीं खेलता हूँ। अगर आपका भी 2 GB रैम डिवाइस है या तो मेरे जैसे डिवाइस है Realme C2, तो आप स्टैंडर्ड पर खेल के देख सकते हो और मैं आपको सेटिंग्स भी बता दूंगा अभी कि डेवलपर ऑप्शन में कौन सी सेटिंग्स को यूज करता हूँ। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई गेम की सेटिंग। चलो अच्छा मैं ले चलता हूँ डेवलपर ऑप्शन पर और मैं कौन सी सेटिंग्स यूज करता हूँ वो भी मैं आपको रिवील कर देता हूँ। फ्रेंड्स मैं मोबाइल की सेटिंग्स पर आ गया। अब आपको चले जाना है जहाँ डेवलपर ऑप्शन है, मैं चला जाता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पास आ गया डेवलपर ऑप्शन पर, तो ये मेरा ओपन हो गया। तो चलो अब मैं इस डेवलपर ऑप्शन की सेटिंग्स बता दूँ जो मैं खुद यूज करता हूँ। तो फ्रेंड्स पहले तो आपको सिंपली डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर लेना यहाँ से, उसके बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है। तो यहाँ आपको पास दिखाई देगा इनेबल GPU डिबग लेयर, तो इसे मैं ऑलवेज ऑन रखता हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छी सेटिंग है। इसको आपको सिंपली ऑन रखना, आपने बहुत सारी वीडियोज पर भी देखा होगा कि मैं इस सेटिंग्स को ऑलवेज ऑन रखता हूँ और इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको आपको सिंपली ऑन कर लेना है, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ दिखाई देगा विंडो एनिमेशन, तो यहाँ 3 विंडो एनिमेशन आपको दिखेंगे। तो आपको सिंपली इस सब को ऑफ कर देना है। आपका रहेगा 1x पर, तो आपको सिंपली तीनों को यहाँ से ऑफ कर देना है। मैं यहाँ पास तीनों को ऑलवेज ऑफ रखता हूँ, तो आप भी सिंपली इसको ऑफ कर देना, इससे मोबाइल को जो है मोबाइल आपका वो फास्ट भी चलेगा। तो उसके बाद ये हो जाने के बाद आपको यहाँ दिखेगा 4x MSSE, तो आपको सिंपली इसको अगर आपको ऑन तब करना है जब आपका काफी ज्यादा लैग हो। इसको मैं सिंपली अभी ऑन करके बिल्कुल भी नहीं खेलता हूँ क्योंकि मेरा इतना ज्यादा लैग नहीं करता है। तो आपको सिंपली इसे ऑन नहीं करना है अभी, अगर आपके ज्यादा लैग हो तभी इसको ऑन करना। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है, उसके बाद आपको यहाँ दिखाई देगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। इसको मैं ऑलवेज नो बैकग्राउंड प्रोसेस पर रखता हूँ। तो आपका स्टैंडर्ड लिमिट पर होगा तो आपको सिंपली नो बैकग्राउंड प्रोसेस पर कर लेना। इससे आपका लैग प्रॉब्लम और ऑटो बैक प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप गेम खेलते हो तो आपके बैकग्राउंड पर काफी सारी चीजें चलती रहती है। तो बैकग्राउंड प्रोसेस करोगे तो आपका जो बैकग्राउंड प्रोसेस होती है तो वो आपकी सब बंद हो जाएंगे और आपका गेम प्ले का एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी ये वीडियो खत्म नहीं हुई है, एक चीज मैं आपको और बता दूं। जब भी मैं गेम खेलता हूं तो मैं जो मेरी कॉन्फिग फाइल रहती है जो मैं खुद बनाता हूं, तो उस कॉन्फिग फाइल को मैं हमेशा लगा के रखता हूं। और आप वर्जन हमेशा चेक कर लेना कि आपका जो गेम का वर्जन है और कॉन्फिग फाइल का वर्जन वो सेम रहना चाहिए। तो आप कॉन्फिग फाइल भी हमेशा लगा के खेलो, कॉन्फिग फाइल से लैग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और मैं खुद कॉन्फिग फाइल को लगा के गेम को खेलता हूं। तो फ्रेंड्स मैंने शुरू से लेके अब तक जितनी भी आपको सेटिंग बताई गेम की और डेवलपर ऑप्शन की, मैं सिर्फ इन्हीं सेटिंग्स को यूज करता हूँ। आप खुद यूज करके मुझे कमेंट पर आके जरूर से बताना कि आपका इससे प्रॉब्लम आपकी कुछ इफेक्ट हुई या नहीं। आई होप आप ये सेटिंग्स ऑन करने के बाद आपका गेम बहुत ही अच्छे चलेगा। अगर आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियोस देखना है फ्यूचर पर तो आपको करने क्या, आपको नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिल जाएगा, उसको प्रेस करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो, उससे मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलो फ्रेंड्स मिलते किसी अगली फ्रेश वीडियो के साथ। बात नहीं है वैसे देखा जाए तो थोड़ा बहुत तू भी सही है, ये रैपिंग वैपिंग लसन मेरे लिए नहीं है, पर चल रहा तो चलने देना सही है। हेलो दोस्तों लाइक तो दबाइए, मुझे भी तो थोड़े बहुत व्यूज है चाहिए, अरे कर दो ना मत शर्माइए। हाँ हो गया क्या, चलो अब जाइए।